जम्मू कश्मीर के पुंछ में फिर से फायरिंग शुरू हो गई है। सुबह होते ही मिनी सचिवालय के पास छिपे आतंकियों ने गोलियां चलाना शुरू कर दी। वहीं स्थानीय नागरिक हाजी नाजीर हुसैन के घर में आतंकियों के छिपे होने की खबर है। दोनों जगहों से लगातार गोलीबारी की जा रही है। वहीं सेना की तरफ से भी इस फायरिंग का जवाब दिया जा रहा है। अभी तक इस मुठभेड़ में लश्कर के 4 आतंकियों को मार गिराया गया है। इस इलाके में 2 और आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। वहीं सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा है। सुरक्षा के मद्देनजर पूरे इलाके को खाली करा लिया गया है। मुठभेड़ अभी भी जारी है। इससे पहले कल भी अल्लाहपीर इलाके में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 1 सब इंस्पेक्टर और 1 नागरिक घायल हुए। पुंछ के अलावा नौगाम सेक्टर में भी मुठभेड़ हुई, जिसमें घुसपैठ की कोशिश कर रहे 7 आतंकियों को सेना ने मार गिराया। उनके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। तो ईद के पावन मौके पर पाकिस्तान ने एक बार फिर नापाक साजिशें रची हैं, लेकिन हमारे जवानों ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है। देखते रहिए डीबी लाइव।